हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इस जल प्रलय में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है फरीश्वर नाथ रेणु। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये एक रिपोर्ट है और ये एक सच्ची घटना है जो कि इन द ईयर 1975 में, यानी कि सन 1975 में पटना में आई एक भयंकर बाढ़ के बारे में लेखक जो है वो हमें बताते हैं। और उस बाढ़ को, यानी कि उस फ्लड को उन्होंने अपने आँखों से देखा था। तो वो अपने आँखों से देखी हुई चीज़ों को, यानी कि क्या हाल हुआ था, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत लेखक कुछ इस तरह से करते हैं। सावन और भादो, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में, जब पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी में बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोग और जानवर लेखक के गांव या फिर उसके आसपास के इलाकों में शरण लेने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि लेखक का गांव जिस इलाके में पड़ता था वहाँ की ज़मीन विशाल, यानी कि बहुत बड़ी और पड़ती है। पड़ती का मतलब क्या होता है? पड़ती वह ज़मीन होती है जो एकदम बंजर नहीं होती, मगर इस तरह की ज़मीन को एक साल खेती करने के बाद 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, वो मिट्टी जो है वो फर्टाइल रहे। तो पड़ती क्षेत्र में, यानी कि पड़ती इलाके में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना भी नहीं आता था, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस तरह के इलाके में पानी बहुत ही कम होती है। तो लेखक कहते हैं कि वो 10 साल के उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयंसेवक, यानी कि रिलीफ वर्कर के रूप में काम करते आ रहे हैं। और लेखक ने 10वीं क्लास में बाढ़ पर एक लेख लिखकर पहला पुरस्कार भी हासिल किया था। उन्हें पहला पुरस्कार मिला था जब उन्होंने बाढ़ के ऊपर एक लेख लिखा था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस प्रतिष्ठित एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था धर्मयुग मैगज़ीन। उसमें कथा दशक कॉलम के अंतर्गत बाढ़ से संबंधित उनकी एक कहानी भी उसमें छपी थी। उन्होंने बाढ़ पर 1947 में जय गंगा, 1948 में डायन कोसी, 1948 में हड्डियों का पुल रिपोर्ट्स लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने कई उपन्यासों में भी बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में लिखा है। तो ये तो थी लेखक के राइटिंग्स के बारे में जो उन्होंने बाढ़ के ऊपर लिखा था। तो अब देखो, लेखक जब अपने गांव में रहते थे तो उन्होंने बाढ़ के बारे में सुना ज़रूर था, मगर उसे उन्होंने कभी झेला नहीं था। लेकिन सन 1967 में, यहाँ पर 1967 की बात हो रही है, तो सन 1967 में पटना शहर में आई बाढ़ को उन्होंने पहली बार खुद अपनी आँखों से देखा और झेला भी। यानी कि सन 1967 में वो पहली बार बाढ़ को देखते हैं और वो झेलते हैं खुद अपनी आँखों से। पूरे 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई और पुनपुना नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग और दूसरे निचले हिस्से में घुस आया था। तो ये बात थी 1967 की। लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने हमें 1975 में पटना में जो बाढ़ आया था उसके बारे में लेखक हमें बताते हैं। तो पहली बार लेखक ने कब बाढ़ को देखा और झेला था? 1967 में। ओके, अब इसलिए इस बार, यानी कि सन 1975 में जब बाढ़ का पानी शहर में आने लगा और पटना का पश्चिमी भाग छाती भर पानी में डूबने लगा, तो लेखक अपने घर में ईंधन, यानी कि जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं, आलू, मोमबत्ती, दिया स्लाई यानी कि माचिस का डब्बा, मैचस्टिक बॉक्स, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जो है वो किस लिए यूज़ होती है, कैम्पोज की गोलियां जो है वो शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी को दूर करने के लिए लिया जाता है, यानी कि
आप समझ सकते हो चिंता वगैरह को दूर करने के लिए लिया जाता है। तो वो ये सब कुछ जमा करके बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अगली सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक पानी आ चुका है और दोपहर में उन्हें किसी ने बताया, बंगला भाषा में बताया कि गोल घर तक बाढ़ आ चुकी है और शाम 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस भी बाढ़ के पानी में डूब चुका था, जिसकी खबर लेखक को एक रिक्शे वाले ने दी। तो लेखक भी कॉफ़ी हाउस जाने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ घर से निकले। कवि मित्र यानी कि लेखक का जो दोस्त था वो एक कवि था, पोएट था। ये कवि मित्र लेखक की उटपटांग बातों से कभी बोर नहीं होते थे। तो दूसरे लोग भी बाढ़ को देखने के लिए रिक्शे से, टांगे से, टमटम से, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि व्हीकल से, वाहनों से जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ देखने जाने वाले और वहां से लौटकर आने वाले लोग सिर्फ बाढ़ से संबंधित बातें ही कर रहे थे, यानी कि वो फ्लड के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी लेखक कॉफ़ी हाउस पहुंच गए, जो बंद कर दिया गया था। तो लेखक जो है वो सड़क के किनारे आए पानी को देखकर अपने कवि मित्र को बताते हैं मृत्यु का तरल दूत यानी कि बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचाया है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेखक जो है वो डर गए और वो रिक्शे से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। लेखक कहते हैं कि गांधी मैदान में दशहरे के दिन राम रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग इंतज़ार खड़े रहते हैं उतने ही आज वहां बाढ़ देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। शाम को 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हालांकि पान की दुकानों पर खड़े लोग निश्चिंत होकर हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे और कुछ दुकानदार अपना सामान टेम्पो में, टमटम आदि में लाद रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर डर और उदासी का भाव था। लेखक अब राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुंचे, जहां एक मैगजीन कॉर्नर पर पहले के जैसे ही पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। वहां से लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने कवि मित्र से विदा लेकर अपने घर आ गए। घर पहुंचने पर उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी के यानी कि हेल्पलाइन गाड़ी के लाउडस्पीकर पर बाढ़ से संबंधित चेतावनी सुनाई दे रही थी, जिससे सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। सारा शहर जाग रहा था। देर रात तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें और घटनाएं जो है वो ताज़ा हो गई। सबसे पहले उन्हें सन 1947 में मनिहारी ज़िले में जो बाढ़ आई थी वो याद आ गई, जब वो अपने गुरुजी यानी कि स्वामी सतीनाथ भादुरी जी के साथ नाव से गंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों यानी कि इलाकों में पकाही घाव की दवा, पकाही घाव यानी कि पानी में लगातार पैर रहने पर पैरों में घाव बन जाते हैं जो कभी कभी पकने लगते हैं, जिन्हें पकाही घाव कहा जाता है। केरोसिन तेल, दिया स्लाई यानी कि माचिस का बॉक्स आदि लेकर सहायता करने पहुँचे थे। इसके बाद वो सन 1949 में महानंदा नदी में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में सोचते हैं, उसने भी बहुत कहर मचाया था। लेखक एक डॉक्टर साहब के साथ वापसी थाना के एक गांव से बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। कुत्ते को देख डॉक्टर साहब डर गए। बाद में कुत्ता और नौजवान दोनों ही नाव से उतर गए। लेखक आगे कहते हैं कि वो परमान नदी की बाढ़ में फंसे मुसहरों की बस्ती, मुसहरों यानी कि जो लोग पत्तों से बर्तन वगैरह बनाते हैं उन्हें कहते हैं, उनमें भी राहत बांटने पहुँचे, जो कई दिनों से मछली और चूहे भूनकर खा रहे थे। जब वो अपने साथियों के साथ उस बस्ती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक ऊंचे मकान पर बलवाही नाच हो रहा था।
और एक काला सा आदमी लाल साड़ी में दुल्हन की एक्टिंग करके लोगों को हंसा रहा था। लेखक मुसहरों की बस्ती में राहत सामग्री बांट कर वापस आ रहे थे, यानी कि जो कुछ वो लेकर गए थे वो सब बांट कर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें अपने परम मित्र भोला शास्त्री जी की बहुत याद आई। अब लेखक को यहाँ पर और दो घटनाओं की भी याद आई थी। तो पहली घटना जो है वो 1937 की है, जब सिमरवनी सकलपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। लेखक उस समय स्काउट बॉय थे, गांव में नाव नहीं थी इसलिए लोग केले के पेड़ से नाव बनाकर काम चला रहे थे, लेकिन जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला लेकर जल विहार करने में मस्त थे, यानी कि वो हारमोनियम और तबला लेकर जल में घूम रहे थे नाव से। तो इससे नाराज गांव के नौजवान ने मिलकर जमींदार के बेटों की नाव छीन ली और उनके साथ थोड़ी मारपीट भी की। और दूसरी घटना लेखक को तब की याद आ रही थी जब सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया और एक नाव पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियों की टोली स्टोव केतली बिस्किट लेकर किसी फिल्मी सीन की तरह कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। उनके ट्रांजिस्टर में हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पर पहुंची तो ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। इसके बाद लेखक अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर वर्तमान समय में आ चुके हैं, यानी कि वो अब प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम पर आ चुके हैं और इस समय रात के 2:30 बज रहे थे और बाढ़ का पानी अभी तक शहर में नहीं पहुंचा था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो जिस वजह से पानी शहर तक नहीं पहुंचा है, यानी कि इसके थोड़ी देर बाद लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी, हर जगह पानी की लहरें नृत्य करते हुए दिखाई दे रही थी, यानी कि जो पानी की लहरें थी वो काफ़ी तेज़ थी, यानी कि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं बाढ़ का दृश्य तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो बाढ़ आया था ऐसा बाढ़ का दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेखक कहते हैं कि इस वक्त ना मेरे पास मूवी कैमरा है, ना टेप रिकॉर्डर और ना ही मेरे पास कलम है, लेकिन अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है। तो दैट्स इट, ये था एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।